नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अलग अलग दलों के नेताओं की सियासी जोड़तोड़ की कोशिश शुरू हो गई है। बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी कि SBSP के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मुलाकात की है इस दौरान, जिसके बाद राजभर के NDA में शामिल होने के कयास एक बार फिर से तेज हो गए हैं। इस मुलाकात के दौरान यूपी बीजेपी उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह भी ओम प्रकाश राजभर के साथ मौजूद थे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी से अपनी तनातनी के और अपने चुनावी मुद्दों का जिक्र करते हुए ढेर सारी बातें भी की। उन्होंने कहा कि शिष्टाचार भेंट के तौर पर मैं और दयाशंकर सिंह यूपी प्रदेश अध्यक्ष से मिलने गए थे। राजभर ने कहा कि मैंने बीजेपी में मंत्री पद छोड़ा, बीजेपी के टिकट पर लड़ा होता तो शायद सांसद बनकर दिल्ली भी गया होता। मेरी बीजेपी से जो लड़ाई है वो देश में पिछड़ी जाति के जातिवार जनगणना जो हो रही है उसे लेकर है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बीजेपी से दूसरा संघर्ष सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए था, जिस पर 3 साल से कुछ नहीं हुआ है। तीसरा हमारा मुद्दा था कि एक समान शिक्षा और मुफ्त शिक्षा गरीब और कमजोर लोगों को दिलाई जाए। 33% रिजर्वेशन महिलाओं का है जो लोकसभा में विचाराधीन है। वहीं इसी के साथ आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि सत्ता से बाहर रहने पर लोग इसे लागू कराने और शराबबंदी की बातें करते हैं। इस सवाल पर भी अगर बीजेपी उनकी इस मांग को मान लेती तो क्या वो दोबारा NDA में जा सकते हैं, दोबारा बीजेपी के साथ चुनाव लड़ सकते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले ये चीजें लागू करे, उसके बाद 92% आबादी पिछड़ों की है और पिछड़ों के बेटे और CM बनने की घोषणा हो, बल्कि इस बात की अभी घोषणा कर दी जाए। वहीं जब असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन पर सवाल किए गए तो उस पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी उनके मोर्चे भागीदारी मोर्चे का अभी तक आधिकारिक तौर पर हिस्सा नहीं है। ओम प्रकाश राजभर ने पूछा कि क्या आप कोई ऐसा व्यक्तित्व दिखा सकते हैं जिसमें असदुद्दीन ओवैसी कभी भागीदारी मोर्चे में शामिल होने की घोषणा की हो। ओम प्रकाश राजभर के मुताबिक बीजेपी अगर उनकी शर्त को मान ले और जातीय जनगणना और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट बीजेपी लागू कर दे तो वो NDA का हिस्सा बनने को तैयार है। वहीं दूसरी तरफ यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी कोशिश है कि ओम प्रकाश राजभर को NDA में लाया जा सके, क्योंकि राजनीति में कोई परमानेंट मित्र या दुश्मन नहीं होता। ओम प्रकाश राजभर प्रधानमंत्री मोदी के दलित और पिछड़े वर्गों के लिए किए गए कार्यों के समर्थक रहे हैं, प्रधानमंत्री के प्रशंसक रहे हैं और ऐसे में वो हमारे साथ दोबारा आ सकते हैं। जब भी वो बीजेपी छोड़कर गए तो उस समय भी कोई वैचारिक वजह नहीं थी, बल्कि टिकट का मिलना था। अब इसलिए वो दोबारा आ सकते हैं और बीजेपी में उनका हमेशा तहे दिल से स्वागत है। अब ऐसे में ओपी राजभर यानी कि ओम प्रकाश राजभर की स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात पर कांग्रेस ना तंज कसे तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि क्या बीजेपी ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाने को कहा है। एक तरफ ओवैसी और दूसरी तरफ राजभर बीजेपी के नेता से मिल रहे हैं, बीजेपी की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सपा नेता अनुराग भदौरिया ने इस मुलाकात पर कहा कि बीजेपी हार के डर से गठबंधन के लिए यहां वहां भटक रही है। खैर, कौन डर रहा है, किसका किसके साथ गठबंधन होगा, कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन, इन सभी सवालों के जवाब तो आगामी चुनाव से पहले मिल ही जाएंगे। बाकी ओम प्रकाश राजभर के स्वतंत्र देव से इस मुलाकात पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।